हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2023 की नीलामी हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिल चुकी है और इसके साथ ही आईपीएल की नीलामी के कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी है आईपीएल के काउंटडाउन को स्टार्ट करने की, जहां पर वैसे तो अभी काफ़ी सारे महीने का वक्त बचा हुआ है। तो ऐसे में इस नीलामी के बाद की जो एक्साइटमेंट थी और उसके साथ ही ये जो लंबा वेट फैंस को करना पड़ेगा, इसके बीच में एक ऐसी चीज़ आ चुकी है जो कि आप लोगों को आईपीएल 2023 से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट और जुड़ा हुआ रखने वाली है। और ये चीज़ है ट्रेड विंडो, जो कि एक बार फिर से हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। सारी की सारी इस ट्रेड विंडो के बारे में आज इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियोस की अपडेट होगी वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसके साथ ही वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम आईपीएल का टाइटल जीते। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2023 की जो ट्रेड विंडो थी वो ऑलरेडी एक बार हम कंक्लूड होते हुए देख चुके हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब रिटेंशन की प्रोसेस हुई थी तो उससे पहले हमें आईपीएल की ट्रेड विंडो देखने को मिली थी और इस ट्रेड विंडो में काफी सारी ऐसी आईपीएल की टीमें थी जिनके बीच में हमें ट्रेड प्रोसीड होते हुए नजर आई थी। मतलब कुछ ऐसी टीमें देखने को मिली थी जो कि काफी ज्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व थी, जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, मुंबई इंडियंस की टीम, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, केकेआर की टीम ने तो पूरा अपना स्क्वाड ही बिल्ड कर दिया था उस टाइम पे, और ऐसे में गुजरात टाइटंस की टीम भी काफी ज्यादा एक्टिव थी। तो कुछ ऐसी भी टीमें थी जो कि ट्रेड करना चाह रही थी लेकिन फिर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि उनको ट्रेड करना है या फिर नहीं, जैसे कि मुंबई इंडियंस की टीम थी जो कि वो ट्रिस्टन स्टॉप्स की ट्रेड वाली बात निकल कर आई थी। इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद से कार्तिक त्यागी ट्रेड की बात निकल कर आई थी, लेकिन ये सारी ट्रेड हमें कंप्लीट होते हुए देखने को नहीं मिली थी। तो अब अपॉर्चुनिटीज ये है कि इन सारी ट्रेड को आप लोग इस ट्रेड विंडो में कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रेड विंडो की अगर डेट की बात की जाए तो बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है कि 30 दिसंबर से आप लोगों को ये ट्रेड विंडो स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम थोड़ा सा प्रोसेसिंग में लग जाता है कि कौन सी टीम के पास कौन से प्लेयर्स हैं उस चीज़ को फाइनलाइज करने में। तो 30 दिसंबर से लेकर 15 मार्च के बीच में आप लोगों को ये ट्रेड विंडो स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। अब अगर बात की जाए कि ये ट्रेड विंडो में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो अभी तो इस ट्रेड विंडो के दो ही मतलब बनते हैं कि नीलामी के बाद भी अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर दो पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं टीमों के पास कि वो ट्रेड क्यों करेंगी। सबसे पहला रीज़न तो हमें ये है कि अगर किसी आईपीएल टीम की ज़रूरत नीलामी में कंप्लीट नहीं हो पाई तो फिर वो टीम चाहेगी कि इस ट्रेड विंडो के थ्रू अपनी कमजोरियों को दूर किया जाए। अगर फॉर एग्जांपल किसी टीम को ओपनर की ज़रूरत थी लेकिन इस नीलामी में वो पर्स के चलते या फिर अपने गलत डिसीजंस के चलते किसी ओपनर को अपनी टीम में नहीं ले पाए तो फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि इस ट्रेड विंडो में वो ऐसा कर पाएँ। तो दूसरा रीज़न हमारे सामने निकल कर आता है वो ये है कि अपनी नीलामी में अगर आपने किसी ऐसे प्लेयर को ले लिया है जो कि आपने गलती से पिक कर लिया, या फिर किसी ऐसे प्लेयर को आपने ले लिया जो कि ज़्यादा ही महंगा था और आपने बिना किसी मतलब के उस टाइम पर हीट ऑफ द मोमेंट में उस प्लेयर को ले लिया, तो आप उसको वापस से अपनी टीम से साइड कर सकते हैं इस ट्रेड विंडो के थ्रू। जैसे कि निकोलस पूरन को एलएससी की टीम ने 16.5 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस हो जाता है, तो हो सकता है वो रिकंसिडर करें अपने इस डिसीजन को। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोग इस ट्रेड विंडो में क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।